ये शो लाजर ते मुर्दू में बटी जूंद कर दो। लाजर नौ को एक आदिम छो, वे की द्वी बहन छे, जो को नौ मरियम और मार्थ छो। उस भी यीशु का खास दगड़े छा। एक दिन कैल यीशु ते बताए कि लाजर बहुत बीमार छो। जब यीशु ली सुनी तो वेल बोली, यू बीमारी लाजर का मुरने की बीमारी नीच, यहाँ का बदला या लुखो थे पिता परमेश्वर को आदर करने को प्रेरित करे। यीशु अपना दगड़ियों बटी प्रेम कर दो छो, पर जखो छो उख वेल द्वी दिनों तक इंतजार करी। ऊ द्वी दिनों के बाद वेल अपने चेलो बटी बोली, आवा वापस यहूदिया को चला। चेलों जवाब दीन, पर हे गुरु अभी कुछ बगत पहल ही उख का लोग तुए ते मरण चाहना छा। यीशु बोली, हमार दगड़े लाजर सेगे और मी ते वे ते उठान छ। यीशु का चेलों जवाब दीन, हे प्रभु जो लाजर से गई तो ऊ ठीक हुए जालो। तब यीशु लो ऊ बटी साफ साफ बोल दीन, लाजर मर गए। मैं खुश छऊ कि मी उख नी छऊ कि तुम मी पर विश्वास कर सका। जब यीशु लाजर का गांव पहुंची तो लाजर ते मुरियो पई और वे ते मुरिया चार दिन हुए गे छा। मार्था यीशु बटी बुलणु को भय रही और बोली, हे प्रभु जो तू इक होंदी तो मेरे भय नी मोर दो, पर मी विश्वास कर दो कि जो कुछ भी तू पिता परमेश्वर बेटी मांगेली उतवे ते दयाल। यीशु जवाब दे, पुनरुत्थान और जीवन मी छऊ, जो कोई मी पर विश्वास कर दो जो उमर भी जाओ तो भी जू लो, जो कोई मी पर विश्वास कर दो वो कभी नहीं मुरो लो। क्या तू इन बात पर विश्वास नहीं कर दी? मार्था जवाब दे, हे प्रभु मैं विश्वास कर दो कि तू पिता परमेश्वर को नौन मसीह छे। तब मरियम आई वील यीशु का खुटोमा पोड़ी के बोली, हे प्रभु जो तू एक होंदी तो मेरे भय नहीं मोर दो। यीशु लुए बेटी पूछी, ति लाजर ते कख रख्यों छ? ऊन लुए ते बताई, कब्र मा आओ और देख ले। तब यीशु रोन लग गए, वह कब्र एक गुफा में छई जय का द्वार पर एक ढूंगो लग्यो छो। जब यीशु कब्र पर पहुंची तो वे लू ऊ बेटी बोली, ढूंगा ते हटाई दिया। पर मार्थल बोली, वे ते मुरिया आज चार दिन होगी न, वे माँ बेटी तो अब बास आन लग गए। यीशु जवाब दे, क्या मिल तुए बेटी नहीं बोल छो कि जो तुम ही पर विश्वास कर ते पिता परमेश्वर की सामर्थ्य दिखिल, इले ऊन ढूंगा ते हटे दीन। तब यीशु लो मत स्वर्ग का जनाए देख के बोली, हे पिता मेरे सुनने को मैं तेरा धन्यवाद कर दूं। मैं जान दू छो कि तू हमेशा मेरे सुन दी छई, पर मिल एक खड़ा यूं सभी लोगों की मदद करने को बोली कि यू विश्वास कह रहा कि तिल मी ते भेज। तब यीशु आवाज लगाई, हे लाजर भैरो। तब लाजर भैर निकल गई, वो अभी भी कफन में लिपट्यों छो। यीशु वे बेटी बोली, ये कफन ते निकलन में वे की मदद कर और वे थे आजाद कर। ये चमत्कार का कारण बहुत सा यहूदियों लो यीशु पर विश्वास कर, पर यहूदियों का धार्मिक अगुआ यीशु बटी जलन लगिन। इले वो योजना बनाने को एक दगड़ी कट्ठा हुईन कि कन के यीशु और लाजर ते मार दियाला। यूहन्ना 11 का 1 से 46 बटी एक बाइबल की कथा।